हिंदू पुराणों की रोचक और प्रेरक कहानियाँ। लेखक महेश शर्मा। वाचिका कल्पना। पुस्तक परिचय। हिंदू धर्म में अनेक पारंपरिक देवी देवता, धर्म शास्त्र, मान्यताएं मौजूद हैं। ये सभी तत्व रंग बिरंगी हिंदू संस्कृति के अभिन्न अंग हैं। इंद्र, अग्नि, सोम, वरुण, प्रजापति, सविता, सरस्वती, उषा, पृथ्वी, गणेश, श्री राम, श्री कृष्ण, हनुमान, कार्तिकेय, सूर्य, चंद्र, दुर्गा, पार्वती, लक्ष्मी, शीतला, सीता, राधा, संतोषी, काली इत्यादि सभी देवी देवता हिंदू धर्म ग्रंथों में उल्लिखित हैं और इनकी कुल संख्या 33 करोड़ बताई जाती है। पुराणों के अनुसार ब्रह्मा, विष्णु और शिव सर्वोच्च शक्ति संपन्न देवता हैं। ये प्रकृति के नियंता हैं। इनकी आज्ञा के बिना यहाँ पत्ता भी नहीं हिलता। एक विशेष बात और, सभी देवी देवगण के काम बटे हुए हैं। कोई किसी के क्षेत्र विशेष में हस्तक्षेप नहीं करता। कार्य के संपादन के लिए सभी को तत्संबंधी शक्तियाँ भी प्रदान की गई हैं। इन सब के अलावा हिंदू धर्म में गाय को भी माता के रूप में पूजा जाता है। यह माना जाता है कि गाय में संपूर्ण 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अनेक वृक्षों, नदियों, पशु पक्षियों, पर्वतों आदि को यहाँ ईश्वर मानकर पूजा जाता है। इस प्रकार हिंदू धर्म व्यापक उदार धर्म है। यह शाश्वत धर्म है और इतने देवी देवता होने के बावजूद एकेश्वरवाद का समर्थक है। हिंदूवादियों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, बस नाम अनेक हैं। किसी को पीड़ा पहुंचाना सबसे बड़ा पाप है और परोपकार सबसे बड़ा पुण्य। प्राणी सेवा ही परमात्मा की सेवा है। हिंदुत्व का वास हिंदुत्व के मन, संस्कार और परंपराओं में है। धर्म और मानवता की रक्षार्थ हिंदू देवी देवताओं ने अनेक अवतार भी लिए हैं। इनमें भगवान विष्णु के 10 अवतार प्रमुख माने जाते हैं, मत्स्य, कूर्म, वराह, वामन, नरसिंह, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध और कल्कि। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 24वां अवतार है, जो वर्तमान कलिकाल के अंत में होना तय है। देश विदेश में उनके विभिन्न रूपों की पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ आराधना की जाती है। धर्म ग्रंथों में यह भी कहा गया है कि देवता अलग अलग नाम वाले हो सकते हैं, लेकिन सब समान रूप से अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। प्रस्तुत पुस्तक में हिंदू धर्म की विभिन्न रोचक और जीवन दर्शक कथाएं दी गई हैं, जो पाठकों को अवश्य रुचिकर, जीवनोपयोगी और संस्कारपूर्ण लगेंगी। कहानी संख्या 1। मैं कोई बगुली नहीं। एक बार की बात है, कौशिक नामक एक ब्राह्मण निर्जन वन में बैठा मंत्रोच्चारण कर रहा था। वह जिस वृक्ष के नीचे बैठा था, उस पर एक बगुली बैठी थी। अचानक उसने कौशिक पर बीट कर दी। इससे वह क्रोधित हो उठा और उसने आग्नेय दृष्टि से उसे देखा। क्षण भर में बगुली भस्म हो गई। इससे कौशिक के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया कि उस जैसा परम तपस्वी दूसरा और कोई नहीं हो सकता। मन ही मन प्रसन्न होता हुआ वह वहां से उठा और भिक्षा लेने गांव की ओर चल दिया। गांव में एक घर के सामने पहुंचकर उसने भिक्षा के लिए आवाज लगाई। कौशिक से कुछ देर पहले उस घर का स्वामी आया था, इसलिए गृहिणी ने उसे कुछ देर प्रतीक्षा करने के लिए कहा और स्वयं स्वामी की सेवा में लग गई। कुछ देर बाद जब वह भिक्षा लेकर द्वार पर आई तो कौशिक क्रोधित होकर बोला, तुमने मुझे इतनी प्रतीक्षा क्यों करवाई? गृहिणी ब्राह्मण के क्रोध को भापकर बोली, क्षमा करें ब्राह्मण देव, मैं कोई बगुली नहीं हूँ जो आपके क्रोध से भस्म हो जाऊंगी। मेरे पति अभी अभी बाहर से आए हैं और पति सेवा करना हर पतिव्रता का धर्म है, इसलिए पहले मैंने उनका सत्कार किया, अन्यथा मैं आपको प्रतीक्षा नहीं करवाती। क्रोध न करें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। जो मनुष्य क्रोध पर विजय पा लेता है, वह अपनी इंद्रियों पर भी विजय पा सकता है। किसी से कष्ट मिलने पर भी जो व्यक्ति उसका प्रत्युत्तर हिंसा से नहीं देता, वही ब्राह्मण कहलाने योग्य है। ऐसा प्रतीत होता है कि आपको तत्वज्ञान नहीं है। मैं आपको वह स्थान बताती हूँ जहाँ आपको तत्वज्ञान मिल सकता है।
मिथिला में सत्यवादी एवं इंद्रिय विजेता धर्म नामक एक शिकारी रहता है। आप उसके पास जाए, वह आपका उचित मार्गदर्शन करेगा। गृहिणी के मुख से बगुली के भस्म होने की बात सुनकर कौशिक आश्चर्यचकित रह गया। तत्पश्चात शीघ्र ही मिथिला में धर्म नाम के शिकारी के घर जा पहुंचा। वहां उसने गृहिणी का सारा वृत्तांत सुनाया। तब शिकारी कौशिक को अपने घर ले गया और उसका आदर सत्कार करते हुए बोला, ब्राह्मण देव, मैं मांस विक्रय करता हूँ। यह कार्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता आ रहा है, इसलिए मैं भी यह कार्य करता हूँ। अपने वृद्ध माता पिता की सेवा करना और सत्य बोलना ही मेरा धर्म है। सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों और याचकों को दान दक्षिणा देता हूँ। जिस प्रकार राजा का धर्म है प्रजा का पालन करना, उसी प्रकार सभी अपना अपना धर्म निभाते हैं। लोक व्यवहार इसी प्रकार चलता है। मैं स्वयं प्राणी हिंसा में विश्वास नहीं करता, किंतु अपने धर्म के लिए अपना कर्म करता हूँ। कौशिक भी उससे स्वधर्म की शिक्षा लेकर धन्य हो गया। इस कथा से शिक्षा मिलती है कि मनुष्यों को इंद्रियों को वश में कर अपने धर्म का उचित पालन करते रहना चाहिए। कहानी संख्या 2, निर्मल भक्ति का वरदान। भक्त तुलाधार सहिष्णु, दयावान, ईमानदार, सत्यवादी एवं लोभमुक्त व्यक्ति था। उसका व्यक्तित्व इतना साधारण था कि वह केवल उन्हीं वस्तुओं को अपने पास रखता था जिनकी उसे अत्यंत आवश्यकता होती थी, जैसे पहनने के लिए मात्र एक धोती और एक गमछा आदि। तुलाधार प्रतिदिन नदी पर नहाने जाता था। एक बार भगवान ने उसकी परीक्षा लेने का निश्चय किया। प्रातःकाल जब वह नदी पर नहाने आया तो भगवान ने तट पर कुछ सुंदर वस्त्र रख दिए। तट पर सुंदर वस्त्र रखे हैं और उनका मालिक नहीं है, यह जानकर भी तुलाधार के मन में लोभ उत्पन्न नहीं हुआ और वह आगे बढ़ गया। भगवान सब देख रहे थे। तुलाधार के इस कार्य से वे बड़े प्रसन्न हुए। अगले दिन जब तुलाधार पुनः नदी पर पहुंचा तो भगवान ने उस जगह सोने चांदी के आभूषण रख दिए। तुलाधार की दृष्टि उन पर पड़ी। थोड़ी देर के लिए उसे अपनी गरीबी का ध्यान आया, किंतु फिर संभल कर उसने सोचा कि यदि आज मैं इन्हें उठा लेता हूँ तो मेरा लोभ बढ़ता जाएगा और फिर मैं अन्य वस्तुओं के लोभ में पड़ जाऊंगा। इससे मेरा मन अशांत हो जाएगा, जिसके कारण मैं कुछ न कुछ पाप करता रहूंगा। मुझे नरक में नहीं जाना है, क्योंकि लोभी मनुष्य के लिए नरक का द्वार खुला रहता है। अतः मैं लोभ नहीं करूंगा, यह विचार कर उसने स्नान किया और घर लौट गया। भगवान अपने भक्त पर बहुत प्रसन्न हुए और उसे अपनी निर्मल भक्ति का वरदान दिया। कहानी संख्या 3, शाप मुक्ति। द्रविड़ देश में गजेंद्र नामक एक परम प्रतापी राजा राज्य करते थे। उन्होंने अनेक वर्षों तक धर्मपूर्वक राज्य किया। वृद्धावस्था में उन्होंने राजपाट त्याग दिया और मलय पर्वत पर आश्रम बनाकर तपस्या करने लगे। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य शिष्यों सहित गजेंद्र के आश्रम में पधारे। उस समय गजेंद्र समाधि में लीन थे, इसलिए उन्हें महर्षि के आगमन का पता नहीं चला। महर्षि अगस्त्य ने इसे अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर उन्हें शाप देते हुए बोले, मूर्ख, तूने अभिमान में आकर मेरा अपमान किया है। मेरे आने पर भी तू हाथी की भांति बैठा हुआ है। जा, मैं शाप देता हूँ कि तू गज की योनि में जन्म लेगा। इसी शाप के कारण राजा गजेंद्र को हाथी की योनि में जन्म लेना पड़ा। लेकिन पुण्य कर्मों के कारण हाथी की योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म की स्मृति रही और वे निरंतर भगवान का स्मरण करते रहे। क्षीर सागर में त्रिकुट नामक एक विशाल पर्वत था। उसके सोने चांदी एवं लोहे के 3 शिखर सभी दिशाओं को प्रकाशित करते रहते थे। उस पर्वत की तलहटी में एक सुंदर सरोवर था। गजेंद्र हाथी अपनी हथनियों के साथ वहां प्रायः आता रहता था। गजेंद्र बहुत विशाल और शक्तिशाली हाथी था। उसे देखकर अन्य पशु डरकर भाग जाते थे। एक दिन गजेंद्र अपनी पत्नियों के साथ सरोवर में क्रीड़ा कर रहा था। तभी एक विशाल ग्राह मगरमच्छ ने गजेंद्र की टांग पकड़ ली और उसे सरोवर के भीतर खींचने लगा। गजेंद्र ने उससे बचने का बहुत प्रयत्न किया, लेकिन असफल रहा।
अंत में उसने भगवान विष्णु का ध्यान किया और उनसे रक्षा की प्रार्थना की। उसकी करुणामय स्तुति सुनकर भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। गजेंद्र ने अपनी सूंड़ से एक कमल तोड़कर श्रीहरि के चरणों में अर्पित कर दिया। उसके भक्तिभाव से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से उस ग्रह का अंत करके गजेंद्र की रक्षा की। इस प्रकार श्री विष्णु ने गजेंद्र को शाप मुक्त करके अपना पार्षद बना लिया। उनके हाथों मृत्यु पाकर वह ग्रह भी मोक्ष गुरु भक्ति। बहुत प्राचीन बात है, पहले ऋषि मुनि आश्रम में शिक्षा देते थे, शिष्य गुरु की सेवा करते, आश्रम के पशु आदि चराते और अन्य अनेक कार्य करते करते ही शिक्षा ग्रहण करते थे। इसी प्रकार धम्मे नामक ऋषि के आश्रम में आरुणी, उपमन्यु और वेद नामक तीन शिष्य थे। वे तीनों गुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करते थे। एक बार की बात है, रात्रि का समय था, मूसलाधार वर्षा हो रही थी। उस समय गुरु ने आरुणी को आज्ञा दी कि खेत पर जाओ और वहां मेड़ बांध कर आओ, जिससे खेतों में पानी न भर सके और फसल सुरक्षित रहे। आरुणी वर्षा की चिंता किए बिना खेत पर पहुंचा। उसे खेत की एक मेड़ टूटी दिखाई दी, वहां से तेजी से पानी भर रहा था। आरुणी इधर उधर से मिट्टी एकत्रित कर मेड़ पर लगाने लगा, लेकिन पानी के वेग से मिट्टी बह जाती थी। वह हर बार मिट्टी लगाता और वह हर बार बह जाती। आरुणी को गुरु की आज्ञा का पालन करना था। अतः कोई उपाय न देख वह मेड़ पर स्वयं लेट गया और पानी को भरने से रोकता रहा। सुबह गुरुजी को याद आया कि आरुणी को खेतों पर भेजा था, किंतु वह अभी तक नहीं लौटा था। वे आरुणी के लिए चिंतित हो गए और शिष्यों के साथ उसे खोजने के लिए खेतों पर पहुँचे। वहाँ पहुँचकर उन्होंने जोर से आवाज लगाई। गुरुजी की आवाज सुनकर आरुणी ने प्रत्युत्तर दिया। गुरु आवाज की दिशा की ओर दौड़े तो उन्होंने देखा कि आरुणी पानी रोकने के लिए मेड़ पर लेटा हुआ है। गुरु भक्ति का ऐसा उत्कृष्ट उदाहरण देखकर वे गदगद होकर बोले, वत्स आरुणी, आज मैं तुम्हारी गुरु भक्ति से बहुत प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि बिना विद्या सीखे ही तुम्हें सभी विद्याएं आ जाए, संसार में तुम्हारा नाम अमर रहे, साथ ही तुम भगवान के परम भक्त कहलाओ। आज से तुम्हारा नाम उद्दालक होगा। इस प्रकार भक्त आरुणी ने गुरु भक्ति का अनूठा उदाहरण प्रस्तुत कर संसार को गुरु भक्ति का अद्भुत पाठ पढ़ाया। कहानी संख्या 5, धन और बुद्धि। एक बार की बात है, एक राजा ने किसी लकड़हारे पर प्रसन्न होकर उसे चंदन की लकड़ी का पूरा जंगल दे दिया, लेकिन लकड़हारा बुद्धू और गवार था। वह चंदन की लकड़ी का महत्व नहीं समझता था। धीरे धीरे उसने पूरा जंगल साफ कर दिया और पुनः अपनी बदहाल अवस्था में पहुंच गया, क्योंकि वह सारी लकड़ियां भोजन पकाने में जला चुका था। राजा ने सोचा, यह सच है कि बुद्धि होती है तभी लक्ष्मी अर्थात धन का संचय किया जा सकता है। गणपति बुद्धि के स्वामी हैं, बुद्धिदाता हैं। यही कारण है कि लक्ष्मी एवं गणपति की एक साथ पूजा का विधान है, ताकि धन और बुद्धि एक साथ मिलें। एक अन्य कथा के अनुसार, एक बार एक साधु के मन में राजसी सुख भोगने का विचार आया। यह सोचकर उसने लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या शुरू कर दी। लक्ष्मी जी प्रसन्न हुई और उसे मनोवांछित वरदान दे दिया। वरदान को सफल करने के लिए वह साधु एक राजा के दरबार में पहुंचा और सीधा सिंहासन के पास पहुंचकर झटके से राजा का मुकुट नीचे गिरा दिया। यह देखकर राजा और सभासदों की भरी कुटिया तन गईं। किंतु तभी मुकुट में से एक विषैला सर्प निकला। यह देखकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और सोचा कि इस साधु ने सर्प से उसकी रक्षा की है, इसलिए उसे अपना मंत्री बना लिया। एक बार साधु ने सभी को फौरन राजमहल से बाहर जाने को कहा। राजमहल में सभी उनके चमत्कार को नमस्कार करते थे, इसलिए सभी ने राजमहल खाली कर दिया। अगले ही क्षण वह धड़धड़ाता हुआ खंडहर बन गया। सभी ने उसकी प्रशंसा की। अब साधु के कहे अनुसार सभी कार्य होने लगे। यह सब देखकर साधु के मन में अहंकार उत्पन्न हो गया और वह स्वयं के आगे सबको तुच्छ समझने लगा।
एक दिन राजमहल के एक कक्ष में उसने गणेश जी की प्रतिमा देखी। उसने आदेश देकर वह मूर्ति वहां से हटवा दी। एक दिन दरबार लगा था। साधु ने राजा से कहा, महाराज आप अपनी धोती तुरंत उतार दें, इसमें सर्प है। राजा उनका चमत्कार पहले भी देख चुका था, इसलिए उसने धोती उतार दी, लेकिन उसमें सर्प नहीं निकला। यह देख राजा को बहुत क्रोध आया। उसने साधु को काल कोठरी में डलवा दिया। साधु पुनः तप करने लगा। स्वप्न में लक्ष्मी ने उससे कहा, मूर्ख, तूने राजमहल से गणेश जी की मूर्ति हटवा दी। वे बुद्धि के देवता हैं। तूने उन्हें रुष्ट कर दिया, इसलिए उन्होंने तेरी बुद्धि हर ली। साधु को अपनी गलती का पता चला। तब उसने गणपति को प्रसन्न किया। गणपति के प्रसन्न होते ही राजा काल कोठरी में गया और साधु से क्षमा मांग कर उसे पुनः मंत्री बना दिया। मंत्री बनते ही साधु ने गणपति को पुनः स्थापित किया, साथ ही वहां लक्ष्मी की मूर्ति भी स्थापित की। इस प्रकार कहा गया है कि धन के लिए बुद्धि का होना आवश्यक है। दोनों साथ में होंगे तभी मनुष्य सुख एवं समृद्धि से रह सकता है। यही कारण है कि दिवाली पर लक्ष्मी एवं गणेश के रूप में धन एवं बुद्धि की पूजा होती है। कहानी संख्या 6, अमृतपान। मरु प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां सदा जल की किल्लत रही है और वहां के लोग पानी के लिए तरसते रहे हैं। ऐसे ही एक प्रदेश में उत्तंक नामक मुनि रहते थे। वे बड़े तपस्वी और विद्वान थे। एक बार द्वारिका लौटते समय भगवान श्री कृष्ण ने उत्तंक मुनि के आश्रम में विश्राम किया और उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर अभिलषित वर मांगने को कहा। उत्तंक मुनि ने वरदान मांगते हुए कहा, भगवान यहाँ सदा जल की कमी रहती है, इसलिए जब भी मुझे प्यास लगे तो अमृत के समान निर्मल जल मुझे पीने को मिले, ऐसा वरदान दें। श्री कृष्ण बोले, ठीक है, ऐसा ही होगा। वरदान देने के बाद श्री कृष्ण ने सोचा, मैंने वर तो दे दिया लेकिन अमृत अमृत है, वह जल के समान अर्थात अमृत जैसा जल कैसे हो सकता है। वे शीघ्र स्वर्ग में पहुँचे और इंद्र को सारा विवरण बताकर कहा कि उत्तंक मुनि को जब भी प्यास लगे आप उन्हें अमृत पिलाए। इंद्र ने कहा, प्रभु वे मनुष्य हैं, उन्हें अमृत नहीं पिलाया जा सकता, लेकिन फिर भी यदि आपकी आज्ञा है तो ऐसा ही होगा। उत्तंक मुनि अधिकतर समय तपस्या में बिताते थे, उन्हें खाने पीने का समय कम मिलता था, इसलिए वे कभी कभी खाया पिया करते थे। एक दिन उन्हें प्यास लगी तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण कर अमृत सा जल पिलाने को कहा। तभी उन्हें एक चांडाल आता दिखाई दिया। उसके चारों ओर कुत्ते चले आ रहे थे। उसके हाथ में एक घड़ा था। चांडाल उत्तंक मुनि के पास आकर बोला, मुनिवर आपको प्यास लगी है, कृपया जल ग्रहण करें, यह जल अमृत के समान है। चांडाल की बात सुनकर मुनि क्रोधित होकर बोले, दुष्ट, मैं एक श्रेष्ठ ब्राह्मण होकर क्या तुझ जैसे चांडाल के हाथ से जल ग्रहण करूँगा। तेरे हाथ जल भेजकर श्री कृष्ण ने मेरे साथ छल किया है। लेकिन चांडाल उनसे बारंबार जल पीने का आग्रह करने लगा। इससे क्रुद्ध होकर मुनि बोले, तुच्छ प्राणी, मैं तुझे अभी शाप देता हूँ। यह कहकर जैसे ही उत्तंक मुनि शाप देने लगे, वहाँ भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उनके प्रकट होते ही चांडाल और कुत्ते अदृश्य हो गए। यह देखकर मुनि स्तब्ध रह गए। तब श्री कृष्ण बोले, शांत मुनिवर, मैंने आपके साथ कोई छल नहीं किया। मेरे कहने पर स्वयं देवराज इंद्र चांडाल वेश में आपको अमृत पिलाने आए थे। मैंने सोचा था कि आप विद्वान हैं, ऊंच नीच का भेद नहीं करेंगे, किंतु आपने अहंकारवश इंद्र को भी नहीं पहचाना और नीच समझकर उनका तिरस्कार किया। अहंकार के कारण ही आप अमृत नहीं पी सके। मुनिवर, जगत के सभी प्राणी अपने आप में विशिष्ट हैं, क्योंकि उन्हें उनके रूप की भांति ही शक्ति मिली है। अतः ऊंच नीच का भेदभाव कभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी जगह सभी श्रेष्ठ हैं। अब मैं आपको वरदान देता हूँ कि जब भी आपको प्यास लगेगी, मरुस्थल में मेघ आ जाएंगे और आपकी प्यास बुझाएंगे। वे मेघ उत्तंक मेघ कहलाएंगे।
उत्तंक मुनि अपनी भूल पर पछताने लगे, लेकिन अब वे अमृत पीने का अवसर खो चुके थे। कहानी संख्या 7, पृथ्वी की परिक्रमा। एक बार की बात है, देवताओं में विवाद छिड़ गया कि उनमें से सर्वप्रथम किसी पूजा हो। अंत में उन्होंने भगवान शिव को इसका निर्णय करने को कहा। भगवान शिव उनका विवाद सुलझाने के लिए सहमत हो गए। वे देवताओं से बोले, आप सभी पृथ्वी की परिक्रमा करें। जो परिक्रमा करके सबसे पहले यहाँ आएगा, वही प्रथम पूजा योग्य होगा। यह सुनते ही सभी देवता अपने अपने वाहनों पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल पड़े। गणपति का वाहन मूषक सबसे कमजोर और धीमा था। यदि गणपति उस पर बैठकर परिक्रमा को जाते तो सबके बाद में वापस आ पाते। इसलिए उन्होंने अपनी बुद्धि कौशल से एक उपाय निकाला। उन्होंने सोचा, यह सारा संसार भगवान शिव के अधीन है, वे ही सबके कर्ता धर्ता हैं, क्यों न उन्हीं की परिक्रमा कर ली जाए। यह सोचकर वे मूषक पर सवार हुए और शिव एवं माता पार्वती की परिक्रमा करके उनके समक्ष उपस्थिति हो गए। उन्हें देख शिव आश्चर्यचकित होकर बोले, गणेश, तुम इतनी जल्दी परिक्रमा करके आ गए, इतने में अन्य देवता भी पहुंच गए। गणेश को देखते ही वे बोले, गणेश, तुमने परिक्रमा नहीं की है, क्योंकि परिक्रमा करते समय तुम हमें मार्ग में नहीं मिले। गणेश जी बोले, देवगण, आप लोगों ने पृथ्वी की परिक्रमा की, किंतु यह संपूर्ण ब्रह्मांड भगवान शिव में विद्यमान है। वे ही जगत के आदि और अंत हैं, इसलिए मैंने उनकी परिक्रमा की है। फिर माता पिता की परिक्रमा को भी पृथ्वी की परिक्रमा के तुल्य माना गया है। वहां उपस्थित समस्त देवगण उनकी बुद्धि पर आश्चर्य व्यक्त करने लगे। गणेश जी की बात पूर्णतः सत्य थी। तब देवताओं ने सहर्ष गणेश जी को प्रथम पूजा का अधिकारी स्वीकार कर लिया। इस प्रकार गणेश प्रथम पूज्य देवता बन गए। मातृभूमि। जैसे जैसे कृष्ण बड़े होते जा रहे थे, उनका नटखटपन बढ़ता जा रहा था। गोकुल के गोप गोपियां उन्हें दुलारने पुचकारने के लिए मचलते रहते थे। उन्हें देखने के लिए सभी नंद के घर आते रहते थे। उस समय कंस ने गोकुल के बच्चों को समाप्त करने का आदेश दे रखा था, इसलिए गोकुल में उत्पात बढ़ता जा रहा था। गोकुल की गलियों में, बाग बगीचों में कृष्ण अपनी मंडली के साथ खेलते रहते। उनके साथ कई अप्रिय घटनाएं भी हुई, लेकिन श्री कृष्ण की कृपा से किसी का कुछ अहित नहीं हो पाता था। गोकुल में उनंद नामक एक अनुभवी और वृद्ध गोप रहता था। एक दिन उसने गोपों की सभा बुलवाई और उन्हें समझाते हुए बोला, मित्रों, गोकुल में उत्पात बहुत बढ़ गए हैं। प्रतिदिन कोई न कोई घटना घटती रहती है। हमारे बच्चों के प्राण भी संकट में हैं, इसलिए गोकुल छोड़कर हमें वृंदावन में जाकर बस जाना चाहिए। वह स्थान हरा भरा है और हमारे पशुओं के लिए भी उपयुक्त होगा। यदि आप सहमत हों तो हमें वृंदावन चलना चाहिए। उनंद की बात सभी को उचित लगी और शीघ्र ही वृंदावन जाने की तैयारी होने लगी। गांव के सभी लोग चलने की तैयारी करने लगे। स्त्री, पुरुष, वृद्ध, बच्चे, सभी अपनी अपनी तैयारी करने लगे। सारा सामान छकड़ों पर लाद लिया गया। फिर कुछ समय बाद पशुओं को आगे हाकते हुए सभी वृंदावन की ओर चल दिए। यशोदा माता, श्री कृष्ण, बलराम और रोहिणी के साथ एक छकड़े में बैठी थीं। श्री कृष्ण ने उनसे लीलावश पूछा, मैया, हम कहाँ जा रहे हैं? यशोदा उन्हें बहलाते बहलाते रोने लगी। माता की आंखों में आंसू देख श्री कृष्ण व्याकुल होकर बोले, माँ, तुम्हारी आंखों में आंसू। यशोदा ने उन्हें चुप करा दिया और सोचने लगी, तुम्हें कैसे बताऊं कि अपनी धरती से विछोड़ पर मुझे कितना दुख हो रहा है। सच ही है, मातृभूमि छोड़ने का, उससे विछोड़ का असहनीय दुःख होता है, लेकिन फिर भी मजबूरी में आकर ऐसा करना ही पड़ता है। कहानी संख्या 9, ब्रह्म राक्षस और चांडाल। पुराने समय की बात है, क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित उज्जैन नगरी में एक चांडाल रहता था। वह अत्यंत विनम्र, सत्य प्रतिज्ञ, बुद्धिमान और संगीत में कुशल था। सत्कर्मों द्वारा धन अर्जित कर अपने परिवार का भरण पोषण करना ही उसका कार्य था।
वह भगवान विष्णु का अनन्य भक्त था। प्रत्येक मास की एकादशी को उपवास रखता था और भगवान विष्णु के मंदिर में जाकर भजन कीर्तन करता था। इस प्रकार उसकी अधिकांश आयु भगवान नारायण के चरण कमलों का ध्यान करते हुए बीत गई। एक बार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को भगवान विष्णु की पूजा करने के लिए पुष्प एकत्रित करने वह वन में गया। उस वन में एक ब्रह्म राक्षस रहता था। वह अत्यंत क्रूर और पापी स्वभाव का था। जो भी मनुष्य उस वन में जाता था वह उसे मारकर खा जाता था। जब चांडाल भगवान विष्णु की पूजा अर्चना के लिए पुष्प एकत्रित कर रहा था, तब ब्रह्म राक्षस ने उसे पकड़ लिया और अट्टहास करते हुए बोला, आज मेरा भाग्य अनुकूल लगता है, तभी बिना परिश्रम के भोजन मिल गया। अब मैं निश्चिंत होकर तुझे खाऊंगा। चांडाल विनती करते हुए बोला, राक्षस राज, आज मुझे मत खाओ, छोड़ दो, कल प्रातः मैं पुनः तुम्हारे पास लौट आऊंगा। आज मुझे भगवान नारायण की पूजा अर्चना कर उनका भजन कीर्तन करना है, तुम्हें उसमें विघ्न नहीं डालना चाहिए। मैं वचन देता हूँ कि कल प्रातः स्वयं को तुम्हारी सेवा में समर्पित कर दूंगा। यदि मैं अपना वचन पूरा न कर सकूं तो मैं घोर नरक का भागी बनूं। चांडाल की बात सुनकर ब्रह्म राक्षस को बड़ा विस्मय हुआ। उसने उसे मुक्त कर दिया और स्वयं वहीं बैठकर उसके लौटने की प्रतीक्षा करने लगा। चांडाल शीघ्रता से मंदिर में गया और लाए हुए पुष्प भगवान विष्णु के चरण कमलों में अर्पित करने के लिए पुजारी को दे दिए। फिर मंदिर के द्वार पर बैठकर भगवान का भजन कीर्तन करते हुए रात भर जागरण करता रहा। प्रातः चांडाल ने स्नान कर भगवान नारायण को प्रणाम किया, फिर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने के लिए राक्षस के पास चल पड़ा। मार्ग में एक परिचित ब्राह्मण उसे रोकते हुए बोला, अरे आज द्वादशी है और इस समय तुम भगवान विष्णु का जागरण करने के बाद घर की ओर लौटते हो, फिर आज वन की ओर कहाँ जा रहे हो। चांडाल ने उसे सारी बात बताई। तब वह ब्राह्मण बोला, यह शरीर धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थों की प्राप्ति का साधन है, अतः मनुष्य को सदा इसका पोषण करना चाहिए। जीवित रहने पर ही मनुष्य अपने लिए मोक्ष की प्राप्ति का उपाय कर सकता है, इसलिए तुम यह मूर्खता छोड़कर अपने घर चले जाओ। ब्राह्मण की बात सुनकर चांडाल विनम्र स्वर में बोला, ब्राह्मण देव, संसार में केवल सत्य ही अक्षय और पुण्यदायक है। पृथ्वी पर जितनी सुख संपदाएं हैं, वे सत्य द्वारा ही प्राप्त होती हैं। सत्य से ही मनुष्यों को धर्म अर्थ काम और मोक्ष प्राप्त होते हैं। सत्य का त्याग कदापि नहीं करना चाहिए। यह कहकर चांडाल वन की ओर चल पड़ा और शीघ्र ही राक्षस के पास पहुंच गया। चांडाल को देख ब्रह्म राक्षस विस्मित होकर बोला, मान्यवर, वस्तुतः आप सत्य का पालन करने वाले हैं। आपके इस कर्म से यह प्रतीत होता है कि आप चांडाल नहीं बल्कि अपने धर्म का पालन करने वाले एक सत्यनिष्ठ ब्राह्मण हैं। आपने यहाँ आकर अपना वचन सत्य कर दिखाया। मान्यवर, मैं भी यह जानने को अत्यंत उत्सुक हूँ कि आपने भगवान विष्णु के मंदिर में ऐसा कौन सा कार्य किया जिसके कारण आप इतने प्रसन्न दिखाई दे रहे हैं। उनकी भक्ति करते हुए आपको कितना समय बीत चुका है। चांडाल बोला, राक्षस राज, मैंने मंदिर में जाकर भगवान नारायण का भजन कीर्तन किया और रात भर उनकी यश महिमा का गान कर जागरण करता रहा। प्रत्येक महीने की एकादशी को इस प्रकार जागरण करते हुए मुझे 20 वर्ष बीत चुके हैं। ब्रह्म राक्षस बोला, मान्यवर, आप भगवान विष्णु के परम भक्त हैं। यदि आप एक रात के जागरण का फल मुझे अर्पित कर दें तो मैं आपको मुक्त कर यहाँ से चला जाऊँगा। चांडाल बोला, राक्षस राज, मैंने तुम्हें अपना शरीर अर्पित कर दिया है, इसलिए व्यर्थ की बातें त्याग कर मुझे अपना आहार बना लो। ब्रह्म राक्षस विनती भरे स्वर में बोला, मान्यवर, रात्रि व्यतीत होते समय आपने भगवान विष्णु का जो अंतिम भजन गाया हो उसी का फल मुझे प्रदान करें, जिससे कि मेरा उद्धार हो सके। तब चांडाल बोला, हे राक्षस राज, यदि तुम आज से किसी भी प्राणी का वध न करने का वचन दो तो मैं अपने एक भजन का फल तुम्हें दे सकता हूँ, अन्यथा तुम मेरा भक्षण कर लो। ब्रह्म राक्षस ने प्रसन्नता पूर्वक चांडाल की बात मान ली।
तब उस चांडाल ने अपने आधे मुहूर्त के जागरण और भजन का फल उसे दे दिया। उसे पाकर ब्रह्म राक्षस अत्यंत प्रसन्न हुआ और चांडाल को प्रणाम कर परिथुदक नामक तीर्थ की ओर चल दिया। वहां निराहार रहकर उसने प्राण त्याग दिए। भजन के फल से पुण्य में वृद्धि होने के कारण वह राक्षस योनि से मुक्त होकर ब्राह्मण योनि में उत्पन्न हुआ। इधर इस घटना से चांडाल के हृदय में भी वैराग्य उत्पन्न हो गया। उसने अपनी पत्नी का भार पुत्रों को सौंप दिया और पृथ्वी की परिक्रमा करते हुए पापमोचन नामक तीर्थ में पहुंचा। वहां स्नान कर वह सभी पापों से मुक्त होकर उत्तम गति को प्राप्त हुआ और वैकुंठ का अधिकारी बना। अग्नि परीक्षा। वज्रबाहु प्रजापालक, दयालु, वीर, शक्तिशाली और दूसरों की सहायता करने वाले राजा थे। एक बार स्वर्ग में देवराज इंद्र उनके गुणों और बल शौर्य की चर्चा कर रहे थे। अग्निदेव यह सहन नहीं कर सके। वे इंद्र से बोले, देवेंद्र, उनमें चाहे कितने ही गुण क्यों न हो, किंतु वे मनुष्य हैं और प्रत्येक मनुष्य की कोई न कोई कमजोरी अवश्य होती है। इंद्र बोले, नहीं अग्निदेव, वे सर्वगुण संपन्न हैं। उनकी तुलना साधारण मनुष्यों से नहीं की जा सकती। यदि आप चाहें तो उनकी परीक्षा ले सकते हैं। ठीक है देवेंद्र, मैं स्वयं उनकी परीक्षा लूंगा। यह कहकर अग्निदेव राजा वज्रबाहु की परीक्षा लेने चल पड़े। उन्होंने एक वृद्ध ऋषि का वेश बनाया और पहुंच गए वज्रबाहु के राज्य में। उन्हें देख द्वारपाल ने शीघ्र ही राजा को सूचित किया। राजा वज्रबाहु ने स्वयं द्वार पर आकर उनका स्वागत किया और उन्हें महल में ले आए। वज्रबाहु ने उनका यथोचित आदर सत्कार किया। तत्पश्चात ऋषि वेशधारी अग्निदेव बोले, राजन, मैं यहाँ एक विशेष उद्देश्य से आया हूँ। मुझे ज्ञात हुआ कि आपके राज्य में भयंकर अकाल पड़ने वाला है। अथ राजन, आप अकाल से निपटने की उचित व्यवस्था कर लें। वज्रबाहु आश्चर्यचकित होकर बोले, मुनिवर, यदि राजा दुराचारी होगा तो उसके दुष्कर्मों के फलस्वरूप राज्य मंच अकाल पड़ता है, लेकिन मैंने तो न कभी दुराचरण नहीं किया और न ही प्रजा को कष्ट पहुंचाया है, फिर मेरे राज्य में अकाल क्यों पड़ेगा। ऋषि बने अग्निदेव बोले, राजन, तुम्हारी बात ठीक है, लेकिन मैंने जो कुछ कहा है वह भी अटल सत्य है। आने वाली विपत्ति के बारे में आपको सचेत करना ही मेरा उद्देश्य था। अब यह आप पर निर्भर करता है कि आप मेरी बात पर विश्वास करें अथवा न करें। वज्रबाहु बोले, मुनि श्रेष्ठ, यह आपकी कृपा है कि आपने मुझ तुच्छ को यह पूर्व सूचना देकर कृतार्थ किया। आप अंतर्यामी हैं, अकाल से मुक्ति का कोई न कोई उपाय आपको अवश्य ज्ञात होगा। कृपया इस विषय में मेरा मार्गदर्शन करें। ऋषिवेशधारी अग्निदेव बोले, राजन, अग्निदेव आपसे रुष्ट हैं, इसलिए उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप बलि दीजिए। इससे वे प्रसन्न हो जाएंगे और आपके राज्य से अकाल का प्रकोप जाता रहेगा। लेकिन मुनिवर, मैंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे अग्निदेव नाराज हों, इसलिए मैं किसी निर्दोष प्राणी की बलि नहीं दूंगा, परिणाम चाहे कुछ भी हो। यह कहकर वज्रबाहु ने बलि देने से इनकार कर दिया और अग्निदेव वहां से चले गए। कुछ दिनों के बाद राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। चारों ओर हाहाकार मच गया। एक ऋषि ने राजा को बलि देने के लिए कहा था, प्रजा यह बात जानती थी। अतः लोगों ने एक कलश स्वर्ण एकत्रित कर घोषणा कर दी कि जो व्यक्ति अपनी बलि देगा यह सारा स्वर्ण उसका होगा। तब राज्य का एक लालची व्यक्ति इस कार्य के लिए अपने पुत्र की बलि देने को तैयार हो गया। पुत्र इस बात से प्रसन्न था कि वह राज्य का संकट दूर करने के लिए बलि दे रहा है। इधर जब वज्रबाहु ने यह बात सुनी तो उन्होंने कहा कि वह बालक उनकी प्रजा है, उनकी संतान है, इसलिए वह नहीं बल्कि वे बलि देंगे। यह कहकर वज्रबाहु ने बलि वेदी पर अपना सिर रख दिया। फिर उन्होंने जैसे ही खड़ग उठाया वैसे ही अग्निदेव प्रकट हो गए और प्रसन्न होकर बोले, राजन, जैसी आपकी कीर्ति सुनी थी वैसा ही पाया। मैं आपकी परीक्षा ले रहा था। ऋषिवेश में मैंने ही आपको अकाल का भय दिखाया था। आप निश्चिंत रहें, यह अकाल मात्र माया का भ्रम है।
यह कहकर अग्निदेव ने अपनी माया समेट ली और राजा वज्रबाहु को आशीर्वाद देकर स्वर्ग लौट गए। वज्रबाहु का राज्य पुनः खुशहाल हो गया। कहानी संख्या 11, अनीति और अधर्म। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। रणक्षेत्र में भीष्म पितामह बाणों की शैया पर लेटे प्राण त्यागने के लिए शुभ मुहूर्त की प्रतीक्षा कर रहे थे। दूसरी ओर महाराज युधिष्ठिर के सम्राट बनने की तैयारी चल रही थी। तब श्री कृष्ण ने पितामह भीष्म से अंतिम उपदेश और आशीर्वाद लेने पांडवों और द्रौपदी को उनके पास भेजा। भीष्म पितामह उन्हें नीति अनीति का उपदेश देने लगे, जिसे सुनकर द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने पूछा, क्या बात है बेटी, तुम हंसी क्यों? तब द्रौपदी बोली, क्षमा करें पितामह, आज आप हमें नीति अनीति की बातें सिखा रहे हैं, किंतु जब भरे दरबार में दुःशासन मेरा चीरहरण कर रहा था तब आप शांत बैठे सब कुछ देख रहे थे। उस समय आपको नीति अनीति का स्मरण क्यों नहीं आया? यह सोचकर मुझे हंसी आ गई। भीष्म पितामह बोले, पुत्री, तुम्हें क्षमा मांगने की कोई आवश्यकता नहीं है, तुम्हारा कथन सर्वथा सत्य है। लेकिन पुत्री, उस समय मैं दुर्योधन के अधीन था और उसके अन्न को खा रहा था जो अनीति और अधर्म से कमाया हुआ था, लेकिन अर्जुन के बाणों ने मेरे शरीर से वह सारा रक्त निकाल दिया जो दूषित अन्न से बना था। इसलिए अब मैं निश्चल और निर्मल होकर उचित अनुचित, नीति अनीति का भेद कर सकता हूँ। इस प्रकार ज्ञान का उपदेश पाकर द्रौपदी सहित पांचों पांडव धन्य हो गए। कहानी संख्या 12, अपमान बना मौत। पांडवों को अपने वनवास का अंतिम वर्ष अज्ञातवास में बिताना था। इसके लिए उन्होंने अपने वेश बदले और राजा विराट के पास रहकर सेवा कार्य करने लगे। द्रौपदी यहाँ विराट नरेश की महारानी सुदेशना की दासी के रूप रह रही थी। उसका नाम सैरंद्री था। राजा विराट का सेनापति कीचक बहुत दुष्ट, पापी और उद्दंडी था। वह महारानी सुदेशना का भाई था। अत्यंत शक्तिशाली होने के कारण सेना पर उसका एक छत्र प्रभाव था, जिसके कारण राजा विराट उसके अनुचित कार्यों पर ध्यान नहीं देते थे। इससे कीचक की उद्दंडता और साहस बढ़ते गए। उसके 105 भाई थे जो उसी के समान अत्यंत बलशाली थे। एक बार की बात है, कीचक सुदेशना से मिलने उसके महल में आया। वहां उसने जब सैरंद्री द्रौपदी को देखा तो उसके रूप पर मोहित होकर उसे पाने के लिए व्याकुल हो उठा। उसने सैरंद्री को अनेक प्रकार से मनाने का प्रयास किया, लेकिन उसने उसे दुत्कार दिया। जब वह किसी भी प्रकार उसकी बात मानने को सहमत नहीं हुई तो उसने महारानी को अपने मन की बात बताई और प्राण त्यागने की धमकी देकर सैरंद्री को उसके कक्ष में भेजने के लिए तैयार कर लिया। भाई के मोह में फंसी सुदेशना ने बहाना बनाकर सैरंद्री को कीचक के कक्ष में भेज दिया। सैरंद्री जब कक्ष में पहुंची तो कीचक ने उसे पकड़ लिया, किंतु उसने उसे धक्का दिया और भागकर राजा विराट के दरबार में पहुंच गई। कीचक भी पीछे पीछे वहां पहुंचा और उसके केश पकड़कर उसे अपमानित किया। राजा विराट कुछ न बोले, क्योंकि वे उसके समक्ष कुछ भी कहने में असमर्थ थे। यह सोचकर कि इस विकट घड़ी में केवल भीम ही उसकी सहायता कर सकते हैं, सैरंद्री रात्रि के समय भीम के पास पहुंची और सारी घटना सुनाई। भीम की भ्रकुटी क्रोध से तन गई, लेकिन वे अज्ञातवास में थे, इसलिए युक्ति से काम लेना आवश्यक था। वे सैरंद्री से बोले, कीचक को बातों में फंसाकर कल रात्रि के समय नाट्यशाला में बुला लो, उसके बाद मैं सब संभाल लूंगा। सैरंद्री ने भीम के कहे अनुसार कीचक को नाट्यशाला में बुला लिया। वहां भीम आकर लेट गए थे। अधेरा होने के कारण कीचक ने भीम को सैरंद्री समझकर प्रेम पूर्वक अपनी बाहों में भर लिया। भीम इसी अवसर की प्रतीक्षा में थे। उन्होंने उसे जमीन पर पटक दिया और उसकी छाती पर चढ़कर गला दबाने लगे। कीचक भी बलशाली था। उसने भीम को पीछे धकेल दिया और खड़ा होकर उनसे मल्लयुद्ध करने लगा, किंतु भीम की शक्ति के आगे वह अधिक देर तक नहीं टिक सका और भीम ने गला दबाकर उसका वध कर दिया। प्रातः कीचक की मौत से पूरे महल में आतंक फैल गया।
सभी ने सोचा कि कीचक ने सैरंद्री का अपमान किया था, इसलिए उसके गंधर्व पतियों ने उसे मार डाला। इधर कीचक के भाइयों ने सैरंद्री को पकड़ लिया और उसे कीचक के शव के साथ जलाने का प्रयास करने लगे। तभी सैरंद्री की सहायता के लिए भीम आ गए और उन्होंने एक विशाल वृक्ष को उखाड़कर सभी को श्मशान में ही मार गिराया। इस प्रकार एक दुरात्मा का वधीन मृत्यु का स्पर्श। एक बार की बात है, हरिवंश का राजकुमार परपुरंजय वन में शिकार खेलने गया। वन में उसकी दृष्टि एक मृग पर पड़ी जिसके शरीर का आधा भाग वृक्षों के पीछे से दिखाई दे रहा था। उसने बाण छोड़ दिया। बाण लगते ही उसे एक व्यक्ति की चीख सुनाई दी। वह शीघ्रता से मृग के पास पहुंचा। वहां एक ऋषि मृग की खाल ओढ़कर सो रहे थे। उसने अनजाने में उनकी हत्या कर दी थी। दुखी परपुरंजय निकट स्थित महर्षि अरिष्टनेमि के आश्रम में पहुंचा। महर्षि उसका सत्कार करने आगे आए, लेकिन परपुरंजय व्यथित स्वर में बोला, महर्षि, मैं पापी ब्रह्महत्या का भागी हूँ, आपके आदर सत्कार के योग्य नहीं। यह कहकर उन्होंने महर्षि को पूरी घटना बताई और उन्हें साथ लेकर घटनास्थल पर पहुँचे, लेकिन वहाँ शव नहीं था। परपुरंजय आत्मग्लानि से भर गया कि एक तो उसने ब्रह्महत्या की, साथ ही लापरवाही से उसे वैसे ही छोड़ दिया। शायद शव को जंगली पशु उठा ले गए। तब महर्षि अरिष्टनेमि ने आवाज लगाकर अपने पुत्र को बुलाया और बोले, राजकुमार, यह मेरा पुत्र है, आपने भ्रमवश इसे ही मारा था। परपुरंजय आश्चर्य से बोला, मुनिवर, यह कैसी लीला है, कृपया समझाने का कष्ट करें। अरिष्टनेमि बोले, राजकुमार, मृत्यु हमें छू तक नहीं सकती क्योंकि हम सर्वदा सत्य बोलते हैं, सदा धर्मानुसार आचरण करते हैं। हम ब्राह्मणों और विद्वानों के गुण देखते हैं, अवगुण नहीं। जो हमारे आश्रम में आता है उन्हें भोजन करवाने के पश्चात ही हम स्वयं भोजन ग्रहण करते हैं। हम इंद्रियों को वश में रखते हैं, दानादि कर्म करते हैं, विद्वानों और तेजयुक्त महापुरुषों के साथ रहते हैं, शांतिपूर्वक कर्म करते हुए सभी को क्षमा देते हैं। यही कारण है कि हमें मृत्यु का भय नहीं। ये सभी बातें बताकर महर्षि अरिष्टनेमि ने परपुरंजय को विदा किया। परपुरंजय भी पूर्ण तथ्य समझ चुका था कि उसने किसी की हत्या नहीं की। वह प्रसन्नता पूर्वक अपने राजमहल लौट गया। कहानी संख्या 14, नरक से मुक्ति। पुराने समय की बात है, जनक वंश में विपश्चित नामक एक प्रसिद्ध राजा हुए। विपश्चित बड़े धर्मात्मा, सदाचारी और दयालु राजा थे। उन्होंने युद्ध में कभी पीठ नहीं दिखाई, याचक को कभी निराश नहीं लौटने दिया। उन्होंने कई वर्षों तक पृथ्वी पर सुख भोगे। तत्पश्चात वृद्धावस्था में पुत्र को राज्य सौंपकर स्वयं वन में जाकर कठोर तप करने लगे। वहीं तप करते हुए उन्होंने प्राण त्याग दिए। मृत्यु के बाद विपश्चित को नरक में डाल दिया गया, जहां वे भयंकर कष्ट भोगने लगे। एक दिन एक यमदूत वहां आया। उसे देखकर विपश्चित बोले, यमदूत, कृपया बताओ कि मैंने अपने जीवन में ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण मुझे यह भयंकर और पीड़ादायक नरक भोगना पड़ रहा है। मैंने अपने राज्य में अनेक यज्ञ किए, धर्मानुसार पृथ्वी का पालन किया, याचकों को भरपूर दान दिया, प्रजा का भली भांति पालन किया। इतना पुण्य अर्जित करने के बाद भी किस कर्म के कारण मुझे इस नरक में आना पड़ा। यमदूत बोला, राजन, आपने जो कहा वह उचित है, किंतु आपने एक छोटा सा पाप भी किया था। एक बार आपकी पत्नी पीवरी ऋतुमती हुई थी, किंतु उस समय राजकुमारी सुशोभना पर आसक्त होने के कारण आपने उसके ऋतुकाल को सफल नहीं बनाया। वह आपके स्पर्श सुख से वंचित रह गई। ऋतुकाल का उल्लंघन करने के कारण आपको इस नरक में कष्ट भोगना पड़ा रहा है। जो मनुष्य का मांधा होकर स्त्री के ऋतुकाल का उल्लंघन करता है, उसे इस नरक में आना पड़ता है। आपका इतना ही पाप है, इसके अतिरिक्त और कोई पाप नहीं है। आप यहाँ अपने पाप का फल भोग चुके हैं।
इसलिए अब आप अपने पुण्य कर्मों का फल भोगने के लिए मेरे साथ स्वर्ग चलिए। यमदूत की बात सुनकर विपश्चित ने पाप कर्मों, उनके दंड और उससे प्राप्त होने वाली विभिन्न योनियों के विषय में पूछा। यमदूत ने इस विषय में विस्तार से बताया। तत्पश्चात विपश्चित ने पापी मनुष्यों और पुण्यात्मा मनुष्यों की पहचान बताने का आग्रह किया। यमदूत बोला, महाराज, निंदा करना, कृतघ्नता, दूसरों के गुप्त भेद को खोलना, निष्ठुरता, निर्दयता, झूठ बोलना, माता पिता और गुरुजन का निरादार करना, उन्हें अपशब्द कहना, परस्त्री से समागम, दूसरे का धन हड़पना, अपवित्र रहना, निर्दोष जीवों की हत्या करना, देवताओं की निंदा एवं वेदों का निरादार करना, बुद्धि का प्रयोग बुरे कार्यों में करना और इसके अतिरिक्त जितने भी अन्य निंदनीय कर्म हैं, उनमें निरंतर संलग्न रहना, ये सब नरक भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। जीवों पर दया करना, अच्छे और सत्य वचन बोलना, परलोक के लिए पुण्य कर्म करना, गुरु देवता माता पिता और महात्माओं का आदर करना, श्रेष्ठ कर्म करना, सबके प्रति मित्र भाव रखना और अन्य जो भी श्रेष्ठ कर्म है उन्हें करना, ये सब स्वर्ग भोग कर लौटे मनुष्यों की पहचान है। राजन, मैंने आपके समस्त प्रश्नों के उत्तर दे दिए। कृपया अब आप मेरे साथ यहाँ से चलने का कष्ट करें। विपश्चित जैसे ही यमदूत के साथ चलने को उद्यत हुए, वैसे ही वहाँ यातना भोगने वाले प्राणी चिल्लाते हुए बोले, राजन, कुछ समय और यहाँ ठहरकर हम पर कृपा करें। आपके शरीर को छूकर आने वाली वायु कष्ट, रोग और दुखों को समाप्त कर हमारे मन को असीम सुख प्रदान कर रही है। उनकी बात सुनकर विपश्चित बोले, यमदूत, मेरे यहाँ रहने से इन्हें सुख कैसे प्राप्त हो रहा है? मैंने ऐसा कौन सा कर्म किया था जिससे इन पापियों पर सुखों की वर्षा हो रही है? यमदूत बोला, राजन, आपने सदा देवताओं पितरियों अतिथियों और ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद भोजन किया। आपने तन मन और धन से उनकी सेवा की, इसलिए आपके शरीर को छूकर बहने वाली वायु सुख प्रदान करने वाली है। इसी कारण नरक की यातना का इन पापियों पर कोई प्रभाव नहीं होता। आपके पुण्य तेज से इनके कष्ट समाप्त हो गए हैं। आइए अब यहाँ से चलें। स्वर्ग के द्वार आपके लिए खुल गए हैं। पापी जीवों को यहीं छोड़कर आप स्वर्ग में पुण्य से प्राप्त होने वाले भोगों का आनंद लीजिए। विपश्चित बोले, यमदूत, पीड़ित प्राणियों को दुःख से मुक्त करके उन्हें शांति प्रदान करने से जो सुख मिलता है, वह स्वर्ग या ब्रह्मलोक में भी नहीं मिल सकता। यदि मेरे निकट रहने से इन्हें सुख मिलता है तो मैं अचल होकर यहीं रहूंगा। दुखियों को त्याग कर स्वयं सुख भोगने वाला कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकता। इनके सुख के अतिरिक्त मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे यहीं छोड़कर तुम लौट जाओ। तभी वहाँ एक दिव्य विमान प्रकट हुआ, जिसमें से भगवान विष्णु, इंद्र, सूर्य, धर्मराज और अन्य देवगण उतरे। वे विपश्चित को अपने साथ स्वर्ग ले जाने आए थे। सबसे पहले धर्मराज बोले, राजन, आपने अपने धर्म का भली भांति पालन किया है। दुःख या सुख, किसी भी अवस्था में आपने कभी मेरा अनादर नहीं किया। आपके उन्हीं पुण्य कर्मों के कारण हम आपको स्वर्ग ले जाने आए हैं। आप कृपया इस विमान में सवार हो जाए। विपश्चित बोले, प्रभु, यदि आप मुझे स्वर्गलोक में ले जाना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम इन जीवों को नरक से मुक्त करने की कृपा करें। इनके उद्धार के लिए मैं अपने समस्त पुण्यों का दान करने को तैयार हूँ। तब इंद्र बोले, राजन, जिस प्रकार समुद्र के जलकण, आकाश के तारे और वर्षा की धाराएं असंख्य हैं, उसी प्रकार आपके पुण्य भी अनंत हैं। नरक में पड़े इन जीवों पर कृपा करने से आपका पुण्य लाखों गुना बढ़ गया है। अपनी उदारता के कारण आज आपने और भी ऊंचा स्थान प्राप्त कर लिया है। आपकी दयालुता और धर्मप्रायणता से प्रसन्न होकर मैं इन सभी जीवों को नरक की यातना से मुक्त करता हूँ। यह कहकर देवराज इंद्र ने नरक में पड़े उन सभी जीवों को मुक्त कर दिया। विपश्चित पर फूलों की वर्षा होने लगी और स्वयं भगवान विष्णु उन्हें विमान में बिठाकर अपने दिव्य धाम ले गए। कहानी संख्या 15, धर्म पालन। नंदभद्र नामक एक वैश्य के धार्मिक कार्यों के कारण लोग उसे धर्म का अवतार कहने लगे थे।
उसके पड़ोस में सत्यव्रत नामक एक शूद्र रहता था जो बड़ा पापी और दुराचारी था। वह नंदभद्र से ईर्ष्या करता था और सदा उसका बुरा चाहता था। एक बार नंदभद्र के ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उसके एकमात्र पुत्र का देहांत हो गया और कुछ दिनों बाद पत्नी भी चल बसी। उसने सोचा, पत्नी के बिना अब गृहस्थ धर्म का पालन कैसे करूँगा। एक दिन अवसर देखकर सत्यव्रत नंदभद्र से बोला, मित्र, बहुत दिनों से मैं एक बात कहना चाहता था, आज अवसर है, सुनो। तुम जो धर्म पालन की बात करके इन पत्थर की मूर्तियों को पूजते हो, देखो इन्होंने तुम्हारे पुत्र और पत्नी तुमसे छीन लिए। इस संसार में कोई भगवान नहीं है। यज्ञ करना, दान करना, ब्राह्मणों को भोजन कराना, ये सब कुछ अग्र ब्राह्मणों ने अपने भरण पोषण के लिए बनाए हैं। यदि भगवान होता तो वह सबको दिखाई देता। इसलिए मेरी बात मानो और पाप पुण्य का चक्कर छोड़कर मेरे साथ मौज करो। नंदभद्र ने उसकी बात सुनी और शांत स्वर में बोला, मित्र, तुम जो कह रहे हो वह असत्य है, क्योंकि जन्म, मृत्यु, सुख, दुख तो शाश्वत सत्य है। इसलिए धर्म का पालन करवा ही श्रेष्ठ है। यदि पाप कर्म अच्छे हैं, तो कोई आपके घर में घुसकर आपका अहित करेगा तो क्या आप उसे नहीं भगाएंगे? आपने कहा, पत्थरों की पूजा करना व्यर्थ है। यदि कोई व्यक्ति अंधा है तो वह जल, सूर्य, चंद्र आदि को कैसे देखेगा? बड़े बड़े देवता, महर्षि, ऋषि, मुनि आदि सभी भगवान की आराधना कर उनके दर्शन के लिए लालायित रहते हैं। सभी स्थानों पर प्राचीन काल से देव मूर्तियां स्थापित हैं, पूजनीय हैं। क्या वे सभी मूर्ख हैं जो इनकी पूजा करते हैं? ईश्वर ऐसे ही किसी को दर्शन नहीं देते, कठिन तपस्या करके ही उनके दर्शन प्राप्त होते हैं। ब्राह्मण मनुष्यों में श्रेष्ठ हैं, इसलिए उनको भोजन करवाया जाता है, दान दक्षिणा दी जाती है। आपने तो मूर्खों की तरह बात की है। यह बात कहने वाले आप ही एकमात्र व्यक्ति हैं। नंदभद्र की बात सुनकर सत्यव्रत की आंखें खुल गईं और वह समझ गया कि धर्म का पालन ही सर्वोपरि है। इसके बाद नंदभद्र के चरणों में गिरकर वह क्षमा याचना करने लगा। नंदभद्र ने उसे गले से लगा लिया। तत्पश्चात वह भी धर्मानुसार कार्य करने लगा। इस प्रकार नंदभद्र ने एक मूर्ख और अधर्मी को धर्मपालन का पाठ पढ़ाकर सही मार्ग दिखाया। पुत्र का मस्तक। पुराने समय की बात है, अयोध्या के राजा ऋतध्वज के रुक्मांगद नामक एक पुत्र थे। वे बड़े धर्मात्मा पुरुष थे। उनकी पत्नी विंध्यावती पतिव्रता और धार्मिक स्त्री थी। रुक्मांगद का धर्मांगदक नामक एक पुत्र था जो पिता के समान ही दयालु, वीर और बलशाली था। रुक्मांगद निष्ठा व नियम धर्म से एकादशी का व्रत करते थे। उनके राज्य में एकादशी का व्रत करना अनिवार्य था। बालक से लेकर वृद्ध तक सभी यह व्रत करते थे। व्रत न करने वालों को दंड दिया जाता था। रोगी और गर्भवती स्त्रियां इसके लिए बाध्य नहीं थे। इस व्रत के प्रभाव से कोई भी प्राणी यमलोक नहीं पहुँचता था। इससे यमराज चिंतित हो गए कि इस प्रकार तो यमलोक की व्यवस्था ही खंडित हो जाएगी। तब उन्होंने मोहिनी नामक एक अप्सरा को राजा रुक्मांगद को वश में करने के लिए भेजा। एक बार राजा रुक्मांगद आखेट के लिए गए। शिकार का पीछा करते करते वे सैनिकों से बिछड़ गए। शिकार उनकी आंखों से ओझल हो गया था और वे बहुत थक भी गए, इसलिए वे वही रुक कर विश्राम करने लगे। तभी उन्हें मोहिनी दिखाई दी। रुक्मांगद एक तक उसे देखने लगे। वह इतनी सुंदर थी कि उनके मन में उससे विवाह का विचार आया और उन्होंने अपनी इच्छा प्रकट कर दी। मोहिनी इसी अवसर की प्रतीक्षा में थी। वह बोली, राजन, मैंने तीनों लोकों में आपकी प्रशंसा सुनी है और स्वयं भी आपसे विवाह करने को आतुर हूँ, किंतु विवाह से पूर्व आपको यह वचन देना होगा कि आप वही करेंगे जो मैं चाहूंगी। रुक्मांगद काम के अधीन हो चुके थे, उन्होंने उसकी शर्त स्वीकार कर ली और उसे लेकर नगर लौट आए। महल में महारानी विंध्यावती और राजकुमार धर्मांगदक ने उनका स्वागत किया और वे बिना किसी भेदभाव के साथ साथ रहने लगे। कुछ दिनों के बाद एकादशी का दिन आया। रुक्मांगद व्रत की तैयारी करने लगे।
जब मोहिनी को पता चला तो वह बोली, महाराज मेरी इच्छा है कि आप और प्रजाजन एकादशी का व्रत न करें। विवाह से पूर्व आपने मेरी प्रत्येक बात पूरी करने का वचन दिया था, इसलिए आप मेरी यह इच्छा पूर्ण करें। रुक्मांगद आश्चर्यचकित होकर बोले, यह तुम क्या रही हो मोहिनी, हम यह व्रत वर्षों से करते आ रहे हैं। इसी कारण भगवान विष्णु की हमारे राज्य पर विशेष कृपा रही है। यह व्रत समस्त पापों का नाश करने वाला है। इसे त्यागने के विषय में हम सोच भी नहीं सकते, इसलिए तुम इसके अतिरिक्त कुछ और मांग लो, हम उसे अवश्य पूरा करेंगे। मोहिनी बोली, ठीक है राजन, यदि आप मेरी इच्छा पूरी करने के लिए एकादशी व्रत नहीं छोड़ सकते तो अपने पुत्र धर्मांगदक का मस्तक काट कर मुझे दे दें। मोहिनी की बात सुनकर राजा रुक्मांगद पर मानो वज्राघात हुआ, वे सन्न रह गए। जब धर्मांगदक ने यह सुना तो वह पिता के पास आया और विनम्र स्वर में बोला, पिताश्री कितने सौभाग्य की बात है कि मैं आपके किसी काम आऊं। आप कदाचित भगवान विष्णु के प्रिय व्रत का अनादर न करें। आपको कई पुत्र मिल सकते हैं, किंतु भगवान विष्णु की भक्ति और कृपा प्राप्त करना असंभव है, इसलिए आप निश्चिंत होकर माता की इच्छा पूर्ण करें। इस प्रकार उसने अपने माता पिता को समझाकर बलि के लिए तैयार कर लिया। फिर जैसे ही राजा रुक्मांगद ने पुत्र की गर्दन काटने के लिए तलवार उठाई, वैसे ही वहां भगवान विष्णु साक्षात प्रकट हो गए। वे रुक्मांगद, धर्मांगदक और उनकी माता विंध्यावती को अपने साथ वैकुंठ लोक ले गए। कहानी संख्या 17, अचल भक्ति। सिंधु देश के पल्ली नगर में कल्याण नामक एक धनी व्यक्ति निवास करता था। उसकी पत्नी का नाम इंदुमती था। उनके विवाह को बहुत समय हो गया था, किंतु अभी तक उन्हें कोई संतान नहीं हुई थी। उन्होंने भगवान से पुत्र प्रदान करने की प्रार्थना की। उनकी प्रार्थना से प्रसन्न होकर भगवान ने उन्हें पुत्र प्रदान कर दिया। पुत्र जन्मोत्सव पर कल्याण ने याचकों को अन्न, धन और वस्त्रों का दान दिया। बालक का नाम बल्लाल रखा गया। धीरे धीरे बल्लाल बड़ा होने लगा। एक दिन वह अपने मित्रों से बोला, गणेश जी की पूजा करने से सारे कष्ट मिट जाते हैं, चलो हम भी उनकी पूजा करें। यह कहकर उसने एक पत्थर को गणपति के रूप में प्रतिष्ठित किया और उसकी विधिवत पूजा की। फिर वे पुराणों पर वार्ता करने लगे। अब बल्लाल सहित सभी बालक अधिकतर समय वन में ही बिताते और संध्या के समय घर पहुंचते। यह देखकर कुछ लोगों ने कल्याण से शिकायत की कि यदि उसे अपने पुत्र को वन में भेजना है तो भेजे, किंतु बल्लाल उनके पुत्रों को न ले जाए, अन्यथा वे राजा से उसकी शिकायत कर देंगे। उसी दिन कल्याण बल्लाल के पीछे वन तक गया। वहां उसे और अन्य बालकों को एक पत्थर की पूजा करते देख वह आश्चर्यचकित रह गया। उसने उसे अपने पास बुलाया और कहा, पुत्र यह केवल पत्थर का एक टुकड़ा है, गणपति तो हमारे हृदय में स्थापित हैं। अतः तुम इस पत्थर को फेंक कर घर चलो। बल्लाल बोला, पिताश्री आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं इन्हें ही गणपति मानता हूँ। मेरे लिए यही गणेश जी हैं। मैं इन्हें नहीं छोड़ सकता। यह सुनकर कल्याण को क्रोध आ गया और उसने बल्लाल की पिटाई कर दी। यह देखकर अन्य सभी बालक भाग खड़े हुए। जब बल्लाल किसी भी तरह कल्याण की बात मानने को तैयार नहीं हुआ तो कल्याण ने उसे पेड़ से बांध दिया और बोला, यदि तुम इस पत्थर को गणेश मानते हो तो वे प्रकट होकर तुम्हें खोल देंगे। यह कहकर वह अपने घर चल दिया। बल्लाल ने अपने पिता की जाते देखा और मन ही मन कहा कि गणेश उसके सब कुछ हैं, वे कुछ भी कर सकते हैं, वे सिद्धि विनायक विघ्न विनाशक हैं। उसका यह सोचना ही था कि पत्थर में से गणपति प्रकट हो गए। उन्होंने बल्लाल के बंधन खोल दिए और आशीर्वाद देकर अंतर्धान हो गए। इस प्रकार सच्ची निष्ठा और भक्तिभाव ने पत्थर में से भी गणपति को प्रकट होने के लिए बाध्य कर दिया। इसलिए कहा गया है, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। कहानी संख्या 18, शंका समाधान। एक बार की बात है, ऋषि मुनि इस बात पर विचार कर रहे थे कि किस युग में धर्म का सबसे अधिक लाभ होता है।
बात ने विवाद का रूप ले लिया तब उन्होंने निर्णय लिया कि इसका समाधान महर्षि व्यास से कराया जाए। वे व्यास जी के पास चल दिए। उस समय महर्षि व्यास गंगा में स्नान कर रहे थे। उन्होंने जब ऋषि मुनियों को आते देखा तो जोर से बोले, कलयुग ही सर्वश्रेष्ठ है, शूद्र ही श्रेष्ठतम है। यह कहकर उन्होंने जल में एक डुबकी लगाई और पुनः बोले, स्त्रियां ही साधु हैं, वे ही सबसे धन्य हैं। जब व्यास जी स्नान करके हटे तब ऋषि मुनि बोले, महर्षि आपने अभी जो कहा है कृपया उसका अर्थ बताकर हमें कृतार्थ करें। व्यास जी बोले, 10 वर्ष के तप, धर्माचरण एवं ब्रह्मचर्य का पालन करने पर जो फल सतयुग में मिलता है वही फल त्रेतायुग में 1 वर्ष में, द्वापर युग में 1 माह में और कलयुग में मात्र 1 दिन में मिल जाता है, क्योंकि कलयुग में भगवान विष्णु के नाम लेने मात्र से ही सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। अतः कलयुग श्रेष्ठ है। शूद्र के श्रेष्ठतम होने का कारण यह है कि द्विजातियों को वेदाध्ययन के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, जिसमें उन्हें अनेक अनुष्ठान आदि करने पड़ते हैं, किंतु शूद्र व्यक्ति ब्राह्मण को भोजन करवाकर दान दक्षिणा देकर यह पुण्य सहज ही प्राप्त कर लेते हैं, इसलिए शूद्र श्रेष्ठ हैं। इसी प्रकार जब स्त्रियां अपने पति की निष्ठा भाव से सेवा करती हैं, तो वे पुण्य प्राप्त कर लेती हैं, इसलिए स्त्रियां धन्य हैं। इस प्रकार महर्षि व्यास ने ऋषि मुनियों की शंका का समाधान दिया। खोया हुआ राज्य। भगवान श्री राम के इक्ष्वाकु वंश में ध्रुव संधि नामक एक प्रतापी राजा हुए। ध्रुव संधि का पहला विवाह मनोरमा के साथ हुआ, जो कलिंगराज वीरसेन की पुत्री थी। उज्जैनी के राजा युधाजित की पुत्री लीलावती उनकी दूसरी रानी थी। दोनों रानियों के एक एक पुत्र था। मनोरमा के पुत्र का नाम सुदर्शन तथा लीलावती के पुत्र का नाम शत्रुजित था। एक बार ध्रुव संधि शिकार के लिए वन में गए। मार्ग में उन्हें प्यास लगी। वे एक सरोवर के किनारे अस्त्र शस्त्र रखकर जल पीने लगे। तभी एक सिंह ने उन पर आक्रमण कर दिया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में सिंह ने ध्रुव संधि को मार डाला। उनकी मृत्यु के बाद मंत्रीगण ने राजकुमार सुदर्शन को राजा बनाने का निश्चय किया, लेकिन युधाजित अपने नाती शत्रुजित को राजा बनाने के पक्ष में थे। अतः वे अपनी सेना सहित अयोध्या आ गए। यह देखकर वीरसेन भी सुदर्शन के पक्ष में सेना सहित पहुंच गए। दोनों सेनाओं में भयंकर युद्ध हुआ। राजा वीरसेन वीरता पूर्वक लड़े, किंतु अंत में युधाजित के हाथों मारे गए। पिता की मृत्यु के बारे में सुनकर मनोरमा भयभीत हो गई। उसे सुदर्शन की चिंता सताने लगी। तब वह पुत्र सुदर्शन और विदल नामक एक मंत्री सहित महर्षि भरद्वाज के आश्रम पहुंची। महर्षि का आश्रम प्रयाग में था। उन्होंने मनोरमा को अपने आश्रम में ही रख लिया। इधर युधाजित ने शत्रुजित को अयोध्या का राजा घोषित कर दिया और स्वयं सुदर्शन को समाप्त करने के लिए प्रयाग पहुंच गया, लेकिन महर्षि भरद्वाज के कोप को भापकर वह वहां से भाग खड़ा हुआ। एक बार की बात है, आश्रम में कुछ शिष्य परस्पर बातें कर रहे थे। निकट ही बालक सुदर्शन खेल रहा था। तभी एक शिष्य बोला, महाराज ध्रुव संधि का मंत्री विदल क्लीव नपुंसक है और वे क्लीव का उच्चारण कर आपस में वार्तालाप करने लगे। सुदर्शन ने जब क्लीव क्लीव शब्द सुना तो वह उसे क्लीं क्लीं कहकर दिन रात जपने लगा। क्लीं शब्द भगवती जगदम्बा का प्रिय मंत्र है और सुदर्शन अनजाने में ही उसका जप करने लगा। इस प्रकार कई वर्ष बीत गए। सुदर्शन अब युवा हो गया था। महर्षि भरद्वाज ने उसे बाल्यकाल में ही अस्त्र शस्त्र की समस्त विद्याओं में निपुण कर दिया था। एक दिन वन में सुदर्शन क्लीन शब्द का उच्चारण कर रहा था, तभी वहां भगवती जगदम्बा साक्षात प्रकट हुई और उन्होंने उसे आशीर्वाद स्वरूप दिव्य धनुष और अक्षय तुनीर बाण सहित अनेक दैवीय शक्तियां प्रदान की। अब सुदर्शन अत्यंत शक्तिशाली हो गया था। प्रयाग में सुबाहु नामक राजा राज्य करते थे। उनकी पुत्री का नाम शशिकला था। वह बड़ी सुंदर थी। भगवती जगदम्बा में उसकी विशेष श्रद्धा थी। एक बार देवी ने स्वप्न में दर्शन देकर उसे सुदर्शन से विवाह करने के लिए कहा।
शशिकला ने इसे देवी की आज्ञा मानकर मन ही मन सुदर्शन को अपना पति स्वीकार कर लिया और अपने माता पिता को सब कुछ बता दिया। लेकिन राजा सुबाहु अपनी पुत्री का विवाह किसी वनवासी से नहीं करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने शीघ्र ही शशिकला का विवाह करने का निश्चय कर उसके स्वयंवर की घोषणा कर दी। स्वयंवर में विभिन्न देशों के अनेक राजा, महाराजा एवं राजकुमारों को आमंत्रित किया गया। शशिकला ने गुप्त रूप से एक ब्राह्मण द्वारा सुदर्शन को देवी के स्वप्न की बात बताकर वहां बुलवा लिया। स्वयंवर में शत्रुजित और उसके नाना युधाजित भी पहुंचे थे। स्वयंवर की तैयारी हो रही थी। इसी बीच सभी को शशिकला द्वारा सुदर्शन को पति मान लेने वाली बात पता चल गई। तब युधाजित क्रोधित होकर बोला, सुबाहु, यदि तुझे पहले से ही सब कुछ ज्ञात था तो इस स्वयंवर का ढोंग क्यों किया? ऐसा करके तूने हमारा घोर अपमान किया है। देख, मैं तेरी दुष्टता का कितना भयंकर दंड देता हूँ। मैं अभी सुदर्शन सहित तुम्हें मारकर बलपूर्वक शशिकला को ले जाऊंगा। यह सुनकर उपस्थित राजाओं ने सोचा कि युधाजित एक शक्तिशाली राजा है जबकि सुदर्शन एक वनवासी। यह युधाजित का सामना नहीं कर पाएगा, इसलिए उन्होंने सुदर्शन को वहां से चलने जाने की सलाह दी। लेकिन वह बोला, मान्यवरो, आपका सोचना सर्वथा उचित है, किंतु यह देवी आज्ञा है और जब यह देवी का आदेश है तो वे ही मेरी रक्षा करेंगी। अगले दिन स्वयंवर का कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। सभी अपने अपने स्थान पर विराजमान थे, किंतु शशिकला ने वहां आने से मना कर दिया। राजा सुबाहु ने उससे कहा, पुत्री, सभा में एक से एक शक्तिशाली राजा उपस्थित हैं। तुम्हारे इनकार से अपमानित होंगे। शशिकला बोली, पिताश्री, आप मुझे और सुदर्शन को गुप्त रूप से नगर से बाहर निकाल दें। हमारे जाने के बाद राजाओं द्वारा आप पर आक्रमण करने का कोई औचित्य नहीं रह जाएगा। तब सुबाहु ने यह कहकर स्वयंवर रोक दिया कि आज शशिकला स्वयंवर में आने में असमर्थ है, इसलिए स्वयंवर कल होगा। कृपया आप कल पधारें। तत्पश्चात सुबाहु ने रात्रि में चुपचाप शशिकला का विवाह सुदर्शन के साथ कर दिया और उन्हें गुप्त रूप से नगर के बाहर भेज दिया। लेकिन युधाजित को भनक लग गई। वह उसी समय सुदर्शन को समाप्त करने चल पड़ा। मार्ग में उसने सुदर्शन को घेर लिया और उसे ललकारने लगा। तब सुदर्शन ने देवी भगवती का स्मरण किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। लेकिन युद्ध होने से पूर्व ही भगवती दुर्गा भयंकर रूप धारण कर साक्षात प्रकट हो गईं। उनका भयानक रूप देखकर युधाजित की सेना उल्टे पांव भागने लगी। देखते ही देखते भगवती दुर्गा ने युधाजित और शत्रुजित के मस्तक काट डाले। तत्पश्चात सुदर्शन ने स्तुति कर भगवती दुर्गा का क्रोध शांत किया। तब प्रसन्न होकर देवी ने उसे अभीष्ट वर मांगने को कहा। सुदर्शन ने प्रार्थना की कि वे प्रयाग की सर्वदा रक्षा करें। तथास्तु कहकर भगवती दुर्गा प्रयाग के दुर्गा कुंड में स्थित हो गईं। इस प्रकार सुदर्शन को देवी जगदम्बा की कृपा से अपना खोया हुआ राज्य पुनः मिल गया और प्रयाग को माँ भगवती की सुरक्षा में कवच अहंकार खंडित। महर्षि अगस्त्य एक तेजस्वी ऋषि थे। एक बार की बात है, अहंकार में भरकर विंध्याचल पर्वत अपने शिखरों को ऊपर उठाने लगा। वह इतना ऊपर उठ गया कि सूर्य का मार्ग भी अवरुद्ध हो गया। यह पर्वत उत्तर और दक्षिण को अलग करता था। अतः सूर्य देव उत्तर में ही रुकने को बाध्य हो गए। तब सभी देवताओं ने महर्षि अगस्त्य से सहायता की प्रार्थना की। उन्हें जब विंध्याचल की धृष्टता ज्ञात हुई तो वे उसका अहंकार तोड़ने के लिए दक्षिण दिशा की ओर चल पड़े। उन्हें देख विंध्याचल ने प्रणाम किया। तब महर्षि बोले, पर्वतराज, मुझे दक्षिण की ओर जाना है, लेकिन तुम्हारे शिखर इतने ऊंचे हैं कि मुझ जैसे वृद्ध के लिए इन्हें पार करना असंभव है। अतः तुम अपने शिखरों को नीचे झुका लो जिससे मैं सरलता से दक्षिण में जा सकूं। महर्षि की बात सुनकर विंध्याचल उनके चरणों में पसर गया और उन्हें दक्षिण में जाने का मार्ग दे दिया। जब तक मैं लौटकर न आ जाऊं, तुम ऐसे ही झुके रहना जिससे मुझे लौटने में कठिनाई न हो। यह कहकर अगस्त्य मुनि दक्षिण की ओर चले गए और फिर कभी वापस नहीं लौटे।
तभी से विंध्याचल महर्षि अगस्त्य की प्रतीक्षा में नतमस्तक है। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य प्रातः स्नान कर आश्रम लौट रहे थे। मार्ग में उन्हें एक छोटी सी चिड़िया दिखाई दी जो समुद्र के पानी में गीली होकर बाहर सूखी रेत पर अच्छी तरह लौटती, जिससे उसके पंखों पर रेत चिपक जाती, फिर समुद्र में जाकर पुनः अपने शरीर को धो देती। उसने कई बार ऐसा किया। पहले महर्षि अगस्त्य ने सोचा कि चिड़िया शायद खेल रही है, लेकिन जब उन्होंने उसकी लगन और मेहनत देखी तो उनसे रहा नहीं गया। वे उसके पास जाकर बोले, यह क्या कर रही हो? यदि तुम्हें सहायता की आवश्यकता हो तो मुझसे कहो, मैं पल भर में तुम्हारा दुःख दूर कर दूंगा। चिड़िया बोली, महर्षि, यह समुद्र मेरे अंडे बहाकर ले गया है। मैंने इससे अंडे लौटाने को कहा, लेकिन यह बड़ा अहंकारी और निष्ठुर है। इसने मेरे अंडे वापस नहीं किए। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगी। चिड़िया की बात सुनकर महर्षि बोले, ओह, तो यह बात है, लेकिन तुम कर क्या रही हो? चिड़िया बोली, महर्षि, मैंने सुना है कि जल की बूंद बूंद एकत्रित करने से समुद्र बनता है। यदि बूंद बूंद से समुद्र बन सकता है, तो रेत के कणकण से यह समाप्त भी हो सकता है। मुनि श्रेष्ठ, यही सोचकर मैं अपने पंखों से रेत लपेट लपेट कर समुद्र में डाल रही हूँ, जिससे यह भर जाए और इसका अहंकार खंडित हो जाए। चिड़िया की बात सुनकर और उसका दृढ़ संकल्प देख महर्षि अगस्त्य बड़े प्रभावित हुए। उसकी सहायता का निश्चय कर उन्होंने समुद्र से उसके अंडे वापस करने को कहा, लेकिन महर्षि की विनती का भी समुद्र पर कोई असर नहीं हुआ। यह देखकर अगस्त्य मुनि क्रोधित होकर बोले, समुद्र, तुम विनती के नहीं अपितु दंड देने के योग्य हो। आज मैं तुम्हारा अहंकार नष्ट करूँगा। यह कहकर वे तपोबल से समुद्र का जल पीने लगे। देखते ही देखते समुद्र सूखने लगा। अंततः वह कापता हुआ प्रकट हुआ और चिड़िया के अंडे वापस कर क्षमा याचना करने लगा। समुद्र की प्रार्थना से महर्षि भी शांत हो गए। उन्होंने उसे क्षमा कर उसका सारा पानी वापस कर दिया। सच कहा गया है, प्राणी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे कोई भी कार्य असंभव नहीं है। कहानी संख्या 21, मारा गया रक्तबीज। रक्तबीज एक महाशक्तिशाली दैत्य था। एक बार उसने दैवीय शक्तियां प्राप्त करने का निश्चय किया और वन में जाकर तपस्या करने लगा। उसके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी ने उसे मनचाहा वर मांगने को कहा। रक्तबीज बोला है, ब्रह्मदेव, मुझे वर दे कि मैं किसी पुरुष के हाथों न मारा जाऊं। यदि मेरे रक्त की एक भी बूंद भूमि पर गिरे तो उससे मेरे ही जैसा शक्तिशाली दूसरा रक्तबीज उत्पन्न हो जाए। ब्रह्मा जी उसे इच्छित वर देकर अंतर्धान हो गए। वर पाकर रक्तबीज बहुत प्रसन्न हुआ। अब उसका सामना करने वाला तीनों लोकों में कोई भी नहीं था। वह ऋषि मुनियों को मारने लगा, उनके आश्रम नष्ट करने लगा। उसके बढ़ते अत्याचारों से चारों ओर हाहाकार मच गया। उसके भय से ऋषि मुनि आश्रम छोड़कर भागने लगे। रक्तबीज का अत्याचार बढ़ता ही गया। तब सभी देवताओं ने त्रिदेवों से सहायता की प्रार्थना की। त्रिदेवों ने अन्य देवताओं के सहयोग से दैवीय शक्ति भगवती दुर्गा की उत्पत्ति की। दुर्गा ने रक्तबीज को युद्ध के लिए ललकारा। रक्तबीज सेना सहित भगवती दुर्गा के साथ युद्ध के लिए चल पड़ा। देवी दुर्गा भी बाघ पर सवार होकर अस्त्र शस्त्रों से सुसज्जित हो गईं। देखते ही देखते दोनों पक्षों में भयंकर युद्ध छिड़ गया। रक्तबीज के साथ सहस्रों दैत्यों की सेना थी, लेकिन भगवती दुर्गा ने अकेले ही उनका सफाया कर दिया। अंत में केवल रक्तबीज ही शेष रह गया। देवी दुर्गा उस पर तलवार से प्रहार करने लगी, किंतु जैसे ही उसका रक्त भूमि पर गिरता, उसके रक्त की प्रत्येक बूंद से एक नया रक्तबीज उत्पन्न हो जाता। यह देखकर वे अत्यंत क्रोधित हो गईं। इस बार उन्होंने एक खप्पर हाथ में लेकर प्रहार किया और उसके रक्त को भूमि पर नहीं गिरने दिया, बल्कि उसे खप्पर में भरकर पीने लगी। रक्त पीने से दुर्गा की मोहिनी मूरत भयानक रूप लेती गई और उनका रंग काला पड़ गया। अंत में पापी रक्तबीज भगवती दुर्गा के हाथों मारा गया।
इस प्रकार रक्तबीज का अंत करने वाला भगवती दुर्गा का वह स्वरूप संसार में काली व चंडी आदि नामों से विख्यात हुआ। पुस्तक समाप्त।